जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इसी YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी बच्चों NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए तथा वायु प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, वायुमंडल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संगठन में अवांछनीय तत्वों का समावेश हो जाना वायु प्रदूषण है। नंबर एक, वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर दो, वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा को जो है जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के तीन परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो वायु प्रदूषण के तीन परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर एक, वायु प्रदूषण के कारण प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा का जो है घट जाना होता। नंबर दो, वायु प्रदूषण कारण श्वास संबंधी रोगों का उत्पन्न हो जाना। नंबर तीन, वायु प्रदूषण कारण जो है अम्लीय वर्षा होना। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के चार स्रोत लिखिए। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब जैसे आवाज, जैसे DJ वगैरह बज रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो वही ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के चार स्रोत बताइए, लिखिए। बहुत तेज़ ध्वनि बजाना, जैसे लोग देखो शादी विवाह में बाजा वाजा बहुत तेज़ बजाते हैं लाउड स्पीकर लगा के, ये सब ध्वनि प्रदूषण होते हैं। इससे देखो, वह कर्कश शोर जो मस्तिष्क के लिए घातक तथा विश्राम में बाधक बनता है ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के चार स्रोत निम्नलिखित है। नंबर एक, मशीनों से निकलने वाला शोर। नंबर दो, बसों, रेलों तथा वायुवानों का शोर। नंबर तीन, लाउड स्पीकर सायरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुविकल्पी देखेंगे। वायु प्रदूषण का निम्न से मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों, जीवाश्म ईंधन का दहन। सही जवाब यहाँ जो है ए हो जाएगा। दरौला गांव का संबंध निम्न से किस प्रदेश से है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। धारावी निम्न से क्या है। तो ये बच्चों गंदी बस्ती है। धारावी जो है क्या है, गंदी बस्ती। भूमि के निम्नीकरण का कारण निम्न से कौन सा है। तो जो है मृदा का अपरदन, यानी मिट्टी का कटाव। इनमें से कौन से जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ जाना, ये भी सही है। उद्योगों और नगरीकरण का विस्तार हो जाना, ये भी सही है। नदियों का जल में प्रदूषित जलमल का मिलना, ये भी सही है। उपयुक्त सही भी हो जाएगा। ठीक है, गंदी बस्तियों में इनमें से कौन सी समस्या पाई जाती है। सघन जनसंख्या संकेंद्रण तथा भीड़ भाड़, ये भी सही है। जीवन शीर्ण आवास तथा प्रकाश एवं स्वच्छ वायु, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ।